चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल 2023 के लीग स्टेज मुकाबले का आखिरी रोमांचक मुकाबला, जहां किसी भी कंडीशन में आरसीबी को यह मैच जीतना था, तो वहीं गुजरात टाइटंस की टीम जो पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है उसने एक और मैच जीतकर ना जाने कौन से झंडे उखाड़े, लेकिन आरसीबी की टीम को इस प्लेऑफ की रेस से बाहर कर दिया। एक शतक विराट कोहली ने लगाया तो एक शतक शुभमन गिल ने लगाया। विराट कोहली ने भी बैक टू बैक शतक लगाया तो शुभमन गिल ने भी बैक टू बैक शतक लगाया। वैसे तो शुभमन गिल कहते हैं कि विराट भैया मेरे आइडल हैं, लेकिन आज आइडल की टीम के खिलाफ ही जिस तरीके से शतकीय पारी खेलकर सभी को चौंका दिया, ये काफ़ी ज़्यादा दंग करने वाले नज़ारे थे। क्योंकि गुजरात के फैंस तो उम्मीदें थी कि हाँ क्वालिफाई तो कर ही लिया, एक मैच जीत जाएंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा पॉइंट्स टेबल पर, लेकिन अगर आरसीबी जीत जाती तो ई साल कप नाम दे जो एक नारा है वो अभी भी बरकरार रहता। और सबसे बड़ी बात, इस आईपीएल 2023 की सबसे बड़ी राइवलरी आरसीबी वर्सेस लखनऊ एक बार फिर से देखने को मिलती, लेकिन ऐसा हो ना सका। और अब मिल चुकी है चारों टीम, जिसमें मुंबई बेंगलोर को यहाँ पे तो बाहर कर दिया है, मुंबई चेन्नई लखनऊ और गुजरात टॉप चार ये टीमें जो भिड़ती नजर आएंगी आईपीएल 2023 के खिताब के लिए। लेकिन बात करें इस मुकाबले की, कैसे विराट कोहली वन मैन आर्मी की तरह लड़ते नजर आए, इनका साथ ज़्यादा किसी ने नहीं दिया, लेकिन दूसरी तरफ गुजरात टाइटन्स से भी यहाँ पर शुभमन गिल की दमदार पारी रही, जिसके दम से ये मुकाबला गुजरात टाइटन्स 6 विकेट से जीतती नजर आई। सारी जानकारी दें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो आप सभी को बता दें कि गुजरात टाइटंस की टीम ने चिन्नस्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के मैदान पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया था। आरसीबी की प्लेइंग 11 थी विराट कोहली, फैफ डू प्लेसिस, मिचेल ब्रेसवेल, ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लोमरोर, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, हर्षल पटेल, व्यान पारनेल, मोहम्मद सिराज और विजय कुमार वेशाख। गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 थी शुभमन गिल, वृद्धिमान शाह, हार्दिक पंड्या, दसुन शनाका, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, मोहित शर्मा, नूर अहमद और साथ ही साथ मोहम्मद शमी और यश दयाल। तो विजय शंकर गुजरात टाइटंस के यहाँ पर इम्पैक्ट प्लेयर बनते नजर आए थे। अब पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की टीम ने 197 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए, जहां पर आरसीबी की टीम का ये 197 में से 101 रन तो विराट कोहली ने ही बनाए थे। शुरुआत और कोहली और फैफ डू प्लेसिस की जोड़ी ने करी। 8वें ओवर की पहली गेंद पर यहां पर पहला विकेट आया आरसीबी का, जहां फैफ डू प्लेसिस ने 19 गेंद में 28 रन 5 चौके की बदौलत मारे थे। 147 का उनका स्ट्राइक रेट था। नूर अहमद ने उनका विकेट लिया था, कैच पकड़ी थी राहुल तेवतिया ने। तो वहीं विराट कोहली का साथ देने के लिए ग्लेन मैक्सवेल आए, आते ही चौका छक्का लगाया, लेकिन फिर राशिद खान ने 5 गेंद का ही सामना किया था, मैक्सवेल ने चलता कर दिया, तो वहां पर बड़ी पारी खत्म हुई। मैक्सवेल खड़े रहते शायद और बड़ा स्कोर 217-220 का टारगेट हो सकता था ये, जिस अंदाज में विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन फिर इसके बाद महिपाल लोमरो राय 3 गेंद खेले, 1 रन बनाए, वापस चले गए। नूर अहमद ने उनका विकेट लिया। तो ब्रेसवेल ने 16 गेंद पर 26 रन बनाए, 5 चौके की बदौलत शमी ने उनका विकेट चटकाया, कैच भी शमी नहीं पकड़ी थी, मतलब कोई और साथ नहीं दे रहा था। दिनेश कार्तिक के लिए सीजन बहुत ही बेकार गया, कोई कुछ खास बड़ी पारी खेली नहीं, मिडिल ऑर्डर ने साथ नहीं दिया, आरसीबी की बात माननी पड़ेगी। कार्तिक यहां पर पहली गेंद पर आउट हो गए यश दयाल की, वृद्धिमान शाह ने उनका कैच पकड़ा। तो अनुज रावत और विराट कोहली की अगर बात करें तो इन दोनों के बीच लास्ट में पार्टनरशिप बिल्ड होती नजर आई थी, करीब यहां पर देखा जाए शानदार पार्टनरशिप थी। 133 रन पर 5वां विकेट था, तो वहीं 197 रन पर यहां पर कोई विकेट नहीं था, तो ये बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड हुई थी, जिसमें अनुज रावत ने 15 गेंद में 23 रन 1 चौके 1 छक्के की बदौलत, वो भी आखिरी के ओवर में छक्का चौका मारा था, तो ये बेहतरीन था। विराट कोहली ने 61 गेंद में 101 रन मारे 13 चौके 1 छक्के की बदौलत। और आप सभी को बताएं कि विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी है जो अभी तक आईपीएल के मुकाबलों में 7 शतक लगा चुके हैं, मतलब ये किसी और ने कारनामा नहीं किया जो विराट कोहली ने किया, इतने शतक किसी ने नहीं लगाए। अगर ये शतक भी जोड़ दिए इनके इंटरनेशनल करियर में तो ये तो बड़ी तेजी से 100 शतक की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन ये खैर जोड़ा नहीं जाएगा। अब 197 रन 5 विकेट के नुकसान पर आरसीबी की टीम ने बनाए थे, 2 विकेट नूर अहमद ने चटकाई, 1 विकेट राशिद खान ने, 1 विकेट यश दयाल ने, 1 विकेट मोहम्मद शमी ने। गुजरात टाइटन्स की बारी आई चेस करने की, तो गुजरात की तरफ से चेस करते हुए वृद्धिमान शाह और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर थी। शुरुआत खराब रही क्योंकि 3 ओवर में 25 रन ही थे, जहां पर वृद्धिमान शाह 14 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए थे 2 चौके की बदौलत। शुभमन गिल ने नाबाद रहे विजय शंकर के साथ मिलकर एक अच्छी पारी बिल्ड करी। 25 रन पर जब पहला विकेट आ गया था तो 148 रन पर दूसरा विकेट आया, यानी यहां से 123 रन की पार्टनरशिप बिल्ड होती नजर आई थी करीब करीब, यहां पर देखा जाए शानदार ये पार्टनरशिप थी। 15वें ओवर की 5वीं गेंद तक गई, विजय शंकर ने 35 गेंद में 53 रन 7 चौके 2 छक्के की बदौलत मारे थे, 151 का इस बीच उनका स्ट्राइक रेट था। विजय कुमार वैशाख ने इनका विकेट लिया था, कैच पकड़ी थी
विराट कोहली ने, लेकिन इन दोनों ने मुकाबले में वापसी कराई दी थी गुजरात टाइटंस की टीम की, क्योंकि 15वें ओवर तक जब 150 रन बन गए हैं तो ब्लास्ट के 5 ओवर में 10 रन प्रति ओवर तो आराम से बन ही सकते हैं। लेकिन फिर यहां से टर्निंग पॉइंट यह आता है कि दशुन शनाका जो तीसरी गेंद का सामना करके हर्षल पटेल के द्वारा आउट होते हैं, तो भाई डेविड मिलर 7 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन इतने बड़े खिलाड़ियों को आउट कर दे, लेकिन दूसरी तरफ से शुभमन गिल जो लगातार डटे हुए थे, शुभमन गिल ने हार नहीं मानी और इस अपने आईपीएल करियर का दूसरा शतक लगाते नजर आए। शुभमन गिल ने 52 गेंद में 104 रन की पारी, 5 चौके 8 छक्के की बदौलत खेली, तो राहुल तेवाती ने 5 गेंद में 4 रन बनाए थे। विजय कुमार, वैशाख, हर्षल पटेल को विकेट मिला 1-1, तो मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट चटकाई थी। लेकिन व्यान पार्नेल ने आखिरी का ओवर डाला था जहां 6 गेंद में 8 रन बचाने थे, लेकिन ये मुमकिन ना हो सका। 9 बॉल भी डाल दी थी, 2 वाइड भी डाल दी, तो मतलब निराशा ही निराशा थी यहां पर आरसीबी खेमे के लिए, और काफी ज्यादा मायूस नजर आया हार के बाद। अब पॉइंट्स टेबल क्या ही देखनी, गुजरात टाइटंस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा क्वालिफायर 1, लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा यहां पर क्वालिफायर एलिमिनेटर का पहला मुकाबला। फिर उसके बाद जो गुजरात में से हारेगा, गुजरात और चेन्नई में हारेगा और लखनऊ और मुंबई में जीतेगा, वो खेलेगा क्वालिफायर 2 फाइनल मुकाबले के लिए। फिर फाइनल देखते हैं किसके बीच होता है, आप प्रिडिक्ट करिए कि कौन फाइनल खेलता नजर आएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। लेकिन इस हार के बाद देखा जाए तो आरसीबी 6 नंबर पर आ गई, क्योंकि उनका नेट रन रेट भी थोड़ा गिरा और राजस्थान 5 नंबर पर आ गई। तो मुंबई अगर नहीं जीतती आज तो शायद आज आरसीबी अंदर हो जाती, लेकिन मुंबई जीत गई, 2 पॉइंट्स मिल गए, किस्मत की बात थी तो मुंबई अंदर हो गई। वहां पर कैमरून ग्रीन का शतक कामयाब हो गया, सिर्फ आरसीबी को जीतना था, सिर्फ जीतना था, इसके अलावा नेट रन रेट कुछ मैटर नहीं करता और टॉप 4 में आ जाती। लेकिन विराट कोहली के शतक के दम पर 14 मैच में 639 रन विराट कोहली के हो गए, जहां इन्होंने 2 शतक 6 अर्धशतक इस सीजन लगाए हैं। लेकिन गुजरात टाइटंस के ही शुभमन गिल अब नंबर दूसरे पर आ गए और इनके पास मौका है नंबर पहले पर जाने का, क्योंकि अब ये क्वालिफायर खेलेंगे और अगर क्वालिफायर हो जाते तो फाइनल खेलेंगे, और अगर क्वालिफायर में हार जाते हैं तो एलिमिनेटर खेल के फिर आगे बढ़ने की कोशिश रहेगी। यानी 2 मुकाबले तो कम से कम खेलेंगे और इन 2 मुकाबलों में इनको 51 रन बनाने हैं यहां पर फैफ डू प्लेसिस को छोड़ने में पीछे, क्योंकि फैफ डू प्लेसिस ने 730 रन बनाए हैं जो कि ऑरेंज कैप उनके पास है। 8 अर्धशतक इस सीजन फैफ डू प्लेसिस ने लगाए हैं, लेकिन बड़ी तेजी से शुभमन गिल भी ऊपर आ गए हैं और विराट हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए, ये सब तो बाहर हो गए हैं। तो अब कुल मिलाकर शुभमन गिल के पास एक बड़ा चांस है आगे बढ़कर ये ऑरेंज कैप जीतने का। लेकिन पर्पल कैप की बात करें तो पर्पल कैप की लिस्ट में मोहम्मद शमी यहां पर अगर देखा जाए सबसे ऊपर चल ही रहे हैं। जिस तरीके से मोहम्मद शमी ने 14 मैच में 24 विकेट चटकाए हैं, तो उनसे पीछे होने के टीममेट राशिद खान है जिन्होंने 14 मैच में 24 विकेट चटकाए हैं। लेकिन नेट रन रेट अच्छा होने की वजह से, यहां पर इकोनॉमी रेट अच्छा होने की वजह से मोहम्मद शमी सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं। तो आरसीबी का भी सफर हुआ खत्म, मिल गई है टॉप 4 टीम। अब देखते हैं किसके बीच क्या मुकाबले रहेंगे, लेकिन सचमुच दिल चाहता था कि मतलब आरसीबी जीते और लखनऊ और आरसीबी के बीच एक और मुकाबला देखने को मिले, मतलब विराट कोहली, नवीन उलग, गौतम गंभीर, वही सब याद आ रहा है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, इस साल कप रहने वाली बात हो गई। अब देखते हैं आगे क्या ही रहता है किस्मत में। विराट कोहली का शतक बनाया लेकिन शतक कामयाब ना आया। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।